अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे। और अभी मैं जो है ना वो रेडी हो चुकी हूँ। हम जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए नानी लोगों के घर, और इसमें मैंने साथ का दूध और अपना चार्जर वगैरह जो है ना वो रख लिया, क्योंकि कभी कभी ये मोबाइल देखना शुरू हो जाता है और फिर चार्जिंग ख़त्म हो जाती है। वैसे तो मैं जल्दी आज आ जाऊँगी। काफ़ी दिन हो गए हैं मैं गई नहीं हूँ, मामू की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो फिर सोचा कि जो है ना आज हम लोग चलते हैं। और थोड़ा फिर भी आते हैं और साथ का थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा। ये भी अकेला रह रहे के ना चिड़चिड़ा सा हो गया है घर में। तो बस अपने ताले लगा लूं जल्दी से, चेक करने गई थी, बाकी गेट शेट जो है वो बंद है। थोड़ा सा घूम फिर लेगा और जरा इंजॉय कर लेगा, खेल लेगा, वरना पहले सारे दिन घर में बंद होता है, सब जो इधर उधर कामों पे चले जाते हैं और ये घर के अंदर ही जो है ना सिर्फ आता है और बहुत ज्यादा मैं करूँगा। ओवर साथ पहले ही बाहर जा चुके हैं। अभी इफ्तारी का टाइम होने में जो है ना कम से कम 15-20 मिनट जो हैं बाकी रहते हैं। चीज़ें मैंने जो है वो बना ली थी और अभी साथ जो है ना बाहर निकला है, क्योंकि अभी अबू भी आ रहे हैं, उनको मैंने जो है ना कीस पकड़ानी है हाथ में लेके जो घूम रही हूँ, तो फिर जो है ताकि वो खुद नीचे से लॉक खोल के आ जाएंगे और फिर उसके बाद मैं चीज़ें वगैरह जो है ना वो टेबल के ऊपर अरेंज करूँगी। तो बस अभी हम यहाँ वेट भी कर रहे हैं और थोड़ी देर ये ज़रा बाहर कि हवा भी लगा लेना तो उसको सुकून आ जाता है ना, इधर बाहर आराम नहीं आता ना। ओ, कोई नहीं, आपको अंदर आराम नहीं आता, चैन नहीं आता ना आपको अंदर। प्लेन 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 कहाँ है? कोई प्लेन नहीं है। सुबह मैं गई थी नानी लोगों के घर, लेकिन फिर मैं वहां से 2-3 घंटे बस बैठी थी और फिर वापस आ गई थी, क्योंकि वह घर में भी जो है ना काम वगैरह होते हैं, कपड़े वगैरह प्रेस करने होते हैं, ख़ास तौर पर भाई और अबू को जो है ना वो देने होते हैं, क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल वगैरह जाना होता है। और ये ना इस चक्कर में खड़ा है कि बस कोई ना मौका मिल जाए इसको ये मिट्टी खाने का, और मिट्टी भी नहीं है, सीमेंट है, लेकिन इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, समझ नहीं आती इसको। अब जैसे रमज़ान ख़त्म होता है ना, इसको किसी ना अच्छे से डॉक्टर से चेक करवाना पड़ेगा, कैसे तो ये बाज नहीं आ रहा। आ जाओ बाबा अंदर आ रहे हैं, ऊपर नहीं चढ़ो, चलो पागल हो, यहाँ से गिरना है आपने, गिरना है, मजा आएगा फिर गिरोगे। चलो अंदर चलो, उधर से गेट खोलो। चल आ जाओ। पूरी रात बारिश होती रही है, जिसकी वजह से जो है ना मौसम अच्छा हो रहा है, हालांकि धूप बहुत तेज है, उसी तरह से अपनी शिद्दत में है, लेकिन जो हवा चल रही है वो बहुत ज्यादा जो है ना वो ठंडी हो रही है और काफी ना अच्छा लग रहा है। आंधी भी थी और अफ्तारी के टाइम से ये स्टार्ट हुई है, बारिश भी आंधी भी और तकरीबन पूरी रात रही है, सहरी में भी सुबह कहीं जाके जो है ना ये रुकी है, जिससे मौसम बहुत जो है ना वो अच्छा हो गया। और नीचे देखिए फूल कितने अच्छे खिले हुए हर जगह पे। साथ को जो है डेली आजकल ना चावल चाहिए होते हैं, तो कब से मैं चने वगैरह डाल के इसके लिए थोड़े से बना देती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो बिरयानी बना देती हूँ और जो है ना तारी में भी जो है ना काम आ जाएगी और सब खा लेंगे, क्योंकि आजकल थोड़े से हालात ऐसे हुए हैं कि कुछ करने का जो है ना दिल नहीं करता। मामू हमारे जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो कुछ भी जो है ना ख़ास बनाने को या करने को दिल नहीं करता, तो इसने काफ़ी देर से शोर मचाया था और जो इसके अलावा चावल के अलावा कुछ खाता नहीं है, तो इस वजह से मैंने कहा चलो ये एक ही काम कर देती हूँ और फिर मैं फारिग हो जाऊँगी और कोई दूसरा मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। तो बस दुआ करें कि हमारे मामू जल्द से जल्द सेहतयाब होकर घर आएँ। और काफ़ी अजीब से दिन जो है ना हमारे गुजर रहे हैं, बहुत टेंशन परेशानी में। और दूसरा जो है मैंने ड्रेसेस की जो ना वो वीडियो बनानी थी, वो भी मैं नहीं बना पाई, एक तो इसी वजह से मेरे ड्रेसेस थोड़े लेट भी हो गए स्टिच होने में, और अब ईद के तो ना ही कहें, ईद तो अजीब ही सी होगी हमारी, लेकिन जो है नॉर्मल जो समर के ड्रेसेस है ना वो मैं आइडिया दूंगी कि मैंने किस तरह से बनाए।
तो यहाँ पर बस मेरी बिरयानी भी रेडी हो चुकी है, और मैंने आज बस यही छोटी सी वीडियो बनाई है, और काफ़ी दिन के बाद बनाई है क्योंकि बिल्कुल भी दिल नहीं करता आजकल बनाने को। तो बस दुआ है कि जल्दी से हमारे मामू ठीक हो जाएं, तो फिर मैं जो है ना दोबारा से स्टार्ट करूँगी। और बस इसी के साथ ना मैं इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।